हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम श्रीश कुमार। मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल। आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। देखिए, आज हमारा न्यू टॉपिक है सेंटेंस में इरर डिटेक्शन। यहां से आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मेरा बेटा इरर डिटेक्शन। एक सेंटेंस में से इरर को किस प्रकार के डिटेक्शन किया जाता है, किस प्रकार से उसको खोजा जाता है। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आपके सामने कुछ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इज है, हैज है, वाज है। ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है वो है आर, हैज और हैव। इनसे रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके सामने उस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे। जैसा कि अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करवा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए बेटा, आपके सामने दो सेंटेंस है, सीता एंड गीता गुड फ्रेंड्स। अब देखिए बेटा, सीता एंड गीता ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो देखिए बेटा, सीता और गीता टू नेम्स हैं और टू नेम है, डेफिनेटली क्या होगा, ये प्लूरल होगा। और यहाँ से आपको यूज करना है जो अभी आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी, इज आर में से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्योंकि यहाँ पर कितने नेम है, टू नेम्स आए। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं रीना एंड मीना सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए वो आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, कंटीन्यूअस फॉर्म में आ रहा है, तो वॉज वर्ब में से होगा या इज आर में से होगा, जो कोई भी होगा। यहाँ पर क्या है, अब ये प्लूरल फॉर्म आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर आर। ठीक है, तो रीना एंड मीना आर सिंगिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सेंटेंस में वो जहां से आप इरर डिटेक्ट करोगे, वो हो सकता है यहाँ से वो इज दे दे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी वो किसी प्रकार की अतिरिक्त हेल्पिंग वर्ब दे दे तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर बनने वाला वो क्या है बेटा, आर। ओके, कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी प्रकार की समस्या है आप बता दीजिए। Yes. देखिए बेटा, आपके सामने तीन टाइप्स के सेंटेंस है। इन तीनों टाइप्स के सेंटेंस में अपना आंसर क्या बनने वाला है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर ये डिपेंड है। यहां से हमें देखना है कि यहाँ पर सिंगुलर कौन सा होगा, प्लूरल कौन सा होगा। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जरूर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, जो भी कोई आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगी। तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में अपन लोग इसका जो आंसर है वो देखते हैं। देखिए बेटा, अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए किसी भी नाउन, जो आपका नाउन है उससे पहले कोई आर्टिकल होता है। समझना ध्यान से बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना। नाउन से ठीक पहले कोई आर्टिकल होता है और एंड के बाद, यहां से जस्ट आपका एंड है, एंड के बाद सेकंड आपका नाउन होता है, लेकिन इससे पहले कोई भी आर्टिकल यहां नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन पर बनने वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। ओके बेटा, एंड आई, एंड से ठीक पहले नाउन हो और एंड के बाद भी नाउन होता है, और आर्टिकल आपके केवल और केवल एक तरफ होता है, एक तरफ नाउन है, सॉरी नाउन है, जस्ट इसके आर्टिकल है, इस तरफ आर्टिकल नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको सिंगुलर का कहेंगे। ओके बेटा, ये क्या बनेगा, आप सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया तो डेफिनेटली यहाँ हम जो वर्ब बनेगी वो भी क्या बनेगी, सिंगुलर के बनेगी। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा, ये आपका नाउन हो, इस तरफ भी आर्टिकल हो, और इस एंड आया हो और एंड की दूसरी तरफ भी आपका आर्टिकल हो और उसके बाद में आपका नाउन हो, तो ऐसी कंडीशन बनने पर क्या बना देंगे हम, उसे प्लूरल बना दें। ये क्या बन जाएगा, आपका प्लूरल सेंटेंस बनेगा। ओके बेटा, स्टूडेंट ध्यान दे, कैंडिडेट ध्यान दे, नाउन है, नाउ एंड के ठीक पहले नाउन हो और इसके ठीक पहले आर्टिकल हो, और इधर एंड के जस्ट बाद आर्टिकल हो और आर्टिकल के जस्ट बाद में नाउन हो, दोनों तरफ आर्टिकल होने पर, नाउन के दोनों तरफ आर्टिकल, एंड के दोनों तरफ आर्टिकल होने पर हम उसे प्लूरल कहेंगे, और आर्टिकल एंड के एक तरफ नाउन होने पर, सॉरी एंड के एक तरफ आर्टिकल होने पर हम उसे सिंगुलर का कहेंगे। और देखिए बेटा, दोनों तरफ आर्टिकल नहीं है, इधर भी नाउन आ गया और इधर भी नाउन आ गया, दोनों तरफ आर्टिकल नहीं है तो भी आपका क्या बनेगा, ये प्लूरल ही बनेगा। इधर भी आपका नाउन हो और एंड हो और इधर भी आपका नाउन हो, तो यहां पर क्या बनेगा, वो प्लूरल ही बनेगा। तो देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, अब आंसर बना दीजिए। देखिए बेटा, यहां से एंड है, एंड के एक तरफ क्लर्क नाउन आ गया, इसके एक तरफ यहां आर्टिकल आ गया, लेकिन इधर आर्टिकल नहीं है, और एक तरफ आर्टिकल होता है तो हम क्या कहते हैं, इसको सिंगुलर, और सिंगुलर है तो यहां पर इज का यूज किया जाएगा। ओके बेटा, चलो देखिए सेकंड। उसके बाद देखिए, देयर
कलर का आ गया, द इधर भी आ गया, दोनों तरफ आर्टिकल आ गए, तो ऐसी कंडीशन पर यहां पर क्या हो जाएगा, आर। ओके प्लुरल बन गया, प्लुरल बन गया तो हम यहां पर आर का यूज कर देंगे, ठीक है। और ये भी अपने आप में क्या होगा, प्लुरल ही होगा। अब देखिए बेटा इसमें सिंगुलर क्यों किया गया, इसमें सिंगुलर एंड आने के बाद यहां पर सिंगुलर क्यों किया गया, क्योंकि बेटा यहां पर एक तरफ आर्टिकल का आपने यूज कर दिया, तो जो क्लर्क है, जो बाबू है, वो ही क्या है बेटा, टीचर भी है। व्यक्ति कितना है, एक ही वो व्यक्ति है, क्लर्क भी वही है और टीचर भी वही है, व्यक्ति कितने हो, एक व्यक्ति हुआ। ऐसी कंडीशन पर यहां पर सिंगुलर इज का ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, देखिए बेटा आपको तीन तरीके के सेंटेंस है यहां पर। माई अंकल एंड माई गार्जियन हैज कम टू सी मी, उसके बाद में है माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम टू सी मी, और उसके बाद में है माई अंकल एंड गार्जियन ब्लैंक दे रखा है कम टू सी मी, ठीक है बेटा। यहां सेंटेंस फर्स्ट में देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं, सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं, और थर्ड सेंटेंस में देखते हैं यहाँ ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो इनसे रिलेटेड सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं, पढ़ने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लीजिए। देखिए बेटा क्या होता है, यहां पर नाउन हो, नाउन से ठीक पहले पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और प्लस यहां पर आपके एंड हो, और उधर भी आपके पजेसिव एडजेक्टिव हो, और उसके बाद आपका नाउन हो, तो यहां पर जो आपका ये टोटल सब्जेक्ट जो बनेगा कि नहीं बनेगा, वो टोटल सब्जेक्ट आपका बनेगा बेटा प्लूरल का, क्या बनेगा वो, प्लूरल बनेगा आपके। ओके बेटा, अगर आपके पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले हो, उसके बाद में एंड आ जाए, और उसके बाद में केवल अब नाउन ही आता है, तो आपका ये बन जाएगा सिंगुलर। ये डबल कॉन्सेप्ट आप याद रखना, अगर दोनों तरफ यहां पर पजेसिव आता है तो उसको प्लुरल कहेंगे, और एक तरफ पजेसिव आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे। तो देखिए बेटा आइए हम लोग टेस्ट करते हैं जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको। सबसे पहला सेंटेंस है माय अंकल एंड माय गार्जियन हैज कम टू सी मी। अब देखिए बेटा माई यहाँ एंड से ठीक पहले नाउन है, नाउन से पहले माई आ गया, और एंड के जस्ट बाद यहाँ माई है, और माई के बाद में यहाँ पर नाउन आ गया, तो ऐसी कंडीशन पर अब आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लुरल का हो गया, और सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तो यहाँ पर बनने वाली जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लुरल होगी, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, हैव बनेगा। ओके क्या बनेगा आपका यहाँ पर, हैव। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं माई अंकल एंड माई गार्जियन, देखिए प्लुरल बन गया, और प्लुरल बन गया तो यहाँ पर ऑलरेडी हैव है, नो एरर, यहाँ इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं माई अंकल एंड गार्जियन, अब देखिए बेटा यहाँ एंड से ठीक पहले नाउन आया, नाउन से ठीक पहले यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन एंड के जस्ट बाद केवल नाउन आया, एडजेक्टिव तो नहीं आया ना पजेसिव, तो ठीक है ऐसा होने पर हम लोग क्या कहेंगे, उसको सिंगुलर कहते हैं, और सिंगुलर कहेंगे तो यहां पर यूज इसका होगा, केवल और केवल हैज का यूज होगा, यानी पजेसिव केवल एक तरफ है, पजेसिव केवल एंड के एक तरफ है तो उसे सिंगुलर, और पजेसिव यदि आपके दोनों तरफ होता है तो हम उसे कहेंगे प्लुरल। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, एग्जाम से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू।